दाम्पत्य जीवन का सबसे सुखद अनुभव और उसका सबसे बेहतरीन पल जब आपको पता चले कि जल्द ही आपके घर एक नया सदस्य आने वाला है। गर्भावस्था नारी के जीवन की ऐसी अवस्था होती है जब कहा जाता है कि मां बनने पर नारी दोबारा से जन्म लेती है। शिशु के आते ही घर में एक पर्व सा माहौल बन जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के सपने और आशाएं इस नन्हे मेहमान से जुड़ जाती हैं। जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण फैसले उसे ध्यान में रख के लिए जाते हैं। माता पिता के लिए बच्चा ही उनकी दुनिया होता है, जिसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं और जिंदगी ऐसे ही खुशियों से भरी रहे, यही तो सोचते हैं हम। पर कहीं खुशियों के इस एहसास में हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा। कहीं वो एक चूक हमारे आने वाले कल को अंधकार में ना बदल दे, कहीं ये खुशियों का माहौल किसी कांच की तरह टूट ना जाए। यह खुशियां जो हम बटोर रहे थे वो हम तक सही तरह से पहुंचे, उसके लिए जरूरी है प्रेगनेंसी के वक्त एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमें विश्वास दिला सके कि गर्भ में पल रहे बच्चे में जन्म से पहले कोई विषमता तो नहीं है। जन्म के पूर्व गर्भावस्था की देखभाल का एक अहम पहलू है भ्रूण में विषमता की स्क्रीनिंग, जिसे प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। पारंपरिक तौर से भ्रूण में विषमता की प्राथमिक स्क्रीनिंग अल्ट्रासोनोग्राफी और मदर सीरम स्क्रीनिंग जैसे नॉन इन्वेसिव परीक्षण द्वारा उन महिलाओं के लिए निर्धारित की जाती है जिनमें गर्भावस्था के दौरान जेनेटिक या क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी का जोखिम उच्च माना जाता है। यदि प्राथमिक स्क्रीनिंग रिपोर्ट से भ्रूण में विषमता का हाई रिस्क पाया गया हो तो भ्रूण के डीएनए के नमूनों को प्राप्त करने के लिए इन्वेसिव प्रक्रियाएं जैसे कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है। इन नैदानिक प्रक्रियाओं से भ्रूण में गर्भपात होने की संभावना रहती है। इन्वेसिव नैदानिक प्रक्रियाओं की तुलना में प्राथमिक स्क्रीनिंग कम संवेदनशील है और इनमें फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट की संभावना अधिक है। बदलते समय के साथ एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जिसे NIPT नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट कहते हैं। इस नई नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया में इन्वेसिव प्रक्रियाओं के विपरीत अजन्मे बच्चे को गर्भपात या नुकसान का कोई खतरा नहीं है। यह कहीं अधिक संवेदनशील और विशिष्ट है। यह टेस्ट माता के रक्त में मौजूद भ्रूण के डीएनए को जांचता है। गर्भावस्था के दौरान नाल से कुछ डीएनए पार होकर माता के खून में पाए जाते हैं। माँ के रक्त में मौजूद इन सेल फ्री फीटल डीएनए की जांच से गर्भस्थ बच्चे में होने वाले सामान्य क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सकता है। जिनोमसेंस ने इसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित अश्योर प्रीनेटल टेस्ट को विकसित किया है। अश्योर प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट एक जन्म के पूर्व की स्क्रीनिंग परीक्षा है जो गर्भवती महिलाओं को एक गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा निर्धारित की जाती है। अश्योर प्रीनेटल टेस्ट में आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपसे लगभग 20 मिलीलीटर खून का सैंपल कलेक्ट करते हैं। ब्लड सैंपल लेने के दौरान आपको शारीरिक जोखिम ना के बराबर होती है। यह परीक्षण उच्च तरीके से इस बात का पता लगा सकता है कि क्या आपके भ्रूण में क्रोमोसोम 21, 18 या 13 की 3 प्रतियां या ट्राइसोमी है। यह परीक्षण लिंग के गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम की असामान्यता का भी पता लगा सकता है। अश्योर प्रीनेटल टेस्ट उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 35 साल या उससे ज्यादा हो, जिनके पिछले किसी बच्चे में जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी या क्रोमोसोमल विषमता पाई गई हो, जिनके परिवार में जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का इतिहास रहा हो, जिनके भ्रूण के असामान्य विकास का परिणाम अल्ट्रासाउंड से पता चला हो, जिनमें प्रेगनेंसी संबंधित कॉम्प्लिकेशंस का इतिहास रहा हो, या वो महिलाएं जिन्होंने किसी प्रजनन प्रक्रिया से गर्भ धारण किया हो। अश्योर प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट अल्ट्रासाउंड और अन्य ब्लड बायोकेमिकल टेस्ट से अधिक संवेदनशील और विशिष्ट है और इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट जितना सटीक कहा जा सकता है। ये माता और गर्भ दोनों के लिए अति सुरक्षित है और इनमें गर्भपात का कोई खतरा नहीं है। अश्योर प्रीनेटल टेस्ट गर्भावस्था के 10 सप्ताह पूरे होने के बाद कभी भी किया जा सकता है, जबकि दूसरे परंपरागत प्रीनेटल टेस्ट गर्भावस्था के कुछ निर्धारित हफ्तों के बाद ही होते हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर सही समय पर
अश्योर प्रीनेटल टेस्ट कराया जाए तो इन विषमताओं का पता शुरुआत में ही लगाया जा सकता है। अश्योर प्रीनेटल टेस्ट यह सरल और सुरक्षित है। यह टेस्ट करता है आपको चिंता से मुक्त, आप और आपका परिवार रहे अश्योर्ड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें